किसानों पर लाठीचार्ज के बाद आहत और दुखी होकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने 8 सितंबर को पद से इस्तीफा दे दिया। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में बीते 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों के इस अद्भुत साहस को देखकर अब मैं भी अपने किसानों के साथ हूँ और इस भाजपा सरकार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देती हूँ। बता दें कि बेबी रानी मौर्य ने 27 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अपने 3 साल के कार्यकाल खुले मन से चर्चा करके उनके अंदर कृषि कानून को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करके उनके आंतरिक कलह शुरू हो चुके हैं। इस्तीफा सौंपते ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर जोर दिया, जिसके बाद किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इस्तीफा सौंपते ही बेबी रानी मौर्य का गुस्सा भी मोदी साहब पर फूट पड़ा और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और किसान परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाएं के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कट्टर का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। पुलिस के इस लाठीचार्ज पर कई किसानों के सिर फूट गए तो कई किसानों के हाथ और पैर टूट गए थे। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे अन्नदाताओं पर लाठी बरसाए और मैं चुपचाप देखती रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमारे अन्नदाता 9 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, ना दिन को दिन कहते हैं और ना रात को रात, और लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हल्का न्यूज़।